कंगना रनावत के नेचर से हर कोई वाकिफ है। जब भी उनको मौका मिलता है बॉलीवुड पर कटाक्ष करने का वो छोड़ती नहीं है। और बॉलीवुड में जितने भी तरह की गंदगियाँ हैं, जितने भी तरह के वहाँ पर गलत रीति रिवाज, उनका विरोध करती हैं। इसी वजह से उन्हें काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज से निकाल दिया गया था और उनकी सीरीज से करण जौहर, यशराज बैनर और सलमान खान इन बड़े लोगों से 36 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत को बॉलीवुड का एक दूसरा अल्टरनेट बनाने की सोचना पड़ा था। साउथ की कई फिल्में कर रही हैं, थलाइवी भी साउथ के डायरेक्टर की मूवी है, इससे पहले मणिकर्णिका की थी वो भी साउथ के डायरेक्टर की मूवी थी। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से काम कम मिलने की वजह से वो साउथ की तरफ रुख कर रही हैं। हालांकि सच बोलना और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का ये थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता ही है। बहरहाल कंगना ने एक नया तरीका निकाला है इस पूरी प्रॉब्लम से सुलझने का, वो तरीका है खुद को प्रोड्यूसर के तौर पर इस्टेब्लिश करने का। और कंगना रनौत जानती हैं कि इस समय प्रोड्यूसर बनना है तो फिल्मों से ज़्यादा आप डिजिटल में प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो समय है लॉकडाउन के बाद का वो डिजिटल प्रोडक्शन में ही लोगों का कट रहा है। तो एक्टिंग के बाद कंगना रनौत ने भी फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखने जा रही हैं। कंगना ने अपने प्रोडक्शन हाउस का लोगो भी पब्लिक में शेयर किया और डिजिटल के लिए वो एक नया तरह का प्रोग्राम बनाने जा रही हैं। पूरा मामला क्या आइए जानते हैं। दरअसल कंगना ने सोचा कि जब तक बॉलीवुड को काम नहीं देता वो खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएंगी और डिजिटल स्पेस में कदम रखेंगी। हालांकि कंगना का डिजिटल डेब्यू एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर होने जा रहा है। कंगना ने अपने प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है मणिकर्णिका फिल्म्स का लोगो शेयर करते अपनी पहली फिल्म टीकू वेड शेरू की घोषणा की है। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम मणिकर्णिका फिल्म्स है। जाहिर सी बात है उनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी मणिकर्णिका थी जिसने उनको एक लीड हीरोइन के तौर पर एस्टेब्लिश किया है, तो उन्होंने उसी के नाम से अपने प्रोडक्शन हाउस का टाइटल रखा है। और उस टाइटल के हिसाब से मणिकर्णिका फिल्म, जैसे बहुत साल पहले मुकेश खन्ना ने अपना 20 में किरदार को कैश करते हुए 20 में इंटरनेशनल करके प्रोडक्शन हाउस की स्टार्ट की थी, वैसे ही कंगना रनौत ने भी प्रोडक्शन हाउस का नाम मणिकर्णिका फिल्म रखा है। उन्होंने ट्विटर पर अपने फिल्म का लोगो भी शेयर किया है और इसके अलावा लव स्टोरी टीकू वेड शेरू के बारे में बताया है और कहा है कि इस मूवी के जरिए हम डिजिटल स्पेस में एंट्री करने जा रहे हैं, आप लोगों की दुआएँ चाहती हैं वो। बहरहाल इस मूवी के बारे में बताते हुए कंगना कहती हैं कि ये बहुत ही तरह की रोमांटिक कॉमेडी होगी जो कि ट्रेडिशनल मूवी से अलग होगी। उनका कहना ये है कि अपने प्रोडक्शन हाउस में वो नए टैलेंट्स को मौका देंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ रिस्क लेंगी। कंगना ने कहा कि उन्हें लगता है कि डिजिटल का ऑडियंस अब सामान्य सिनेमा देखने से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, वो एक तरह का मैच्योर एडल्ट और काफ़ी कंट्रोवर्शियल कंटेंट देखना चाहता है, इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन हाउस के तहत बहुत नॉर्मल फिल्में बनाएंगी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट चूज करेंगी और इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को डिजिटल में डेब्यू करने के लिए तैयार किया है। हालांकि कंगना ने अभी इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल साझा नहीं की, लेकिन कहती हैं कि न्यू कमर्स को ही मौका देंगी। तो कंगना का नया प्रोडक्शन हाउस डिजिटल डेब्यू में एक बहुत बड़ी मिसाल तो पैदा करेगा ही, साथ ही ये भी एक मोर्चा साबित हो गया है कि कंगना ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक तमाचा मार दिया है, कहते हुए कि अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं अपना काम खुद पैदा करूँगी, अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँगी, नए लोगों को काम दूँगी और आपके बराबर एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करूँगी। तो कंगना को इस बहुत सारे अच्छे काम, बहुत मोटिवेशनल काम के लिए बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक।